स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम सर्कल के ऊपर अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो सर्कल आप लोग कर चुके हैं क्लास में? यस ओके, सो आपने एनसीईआरटी वाला पार्ट सारा कर लिया है? ओके, थ्योरम्स पार्ट आप सबको क्लियर है सारे? दिस क्लियर और नॉट? नाउ इट इज क्लियर। तो सर्कल में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे सर्कल के रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स मीन्स थ्योरम्स। सो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी थ्योरम आप लोगों ने स्टडी की है, कौन कौन से रिजल्ट्स पता है आपको? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको पता है सबको कॉर्ड क्या होती है? यू नो कॉर्ड, राइट? ठीक है जी। और कुछ टर्म्स हम बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंगल सबटेंडेड? ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, अगर आपको क्लियर होगा तो हमारे लिए इजी होगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल सबटेंडेड? एक स्टेटमेंट आती है हमारे पास कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं, दिस इज द कॉर्ड, यस राइट? नाउ दिस कॉर्ड, दिस इज सेंटर, दिस इज द एंगल विच द कॉर्ड मेक एट द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, राइट? एट द सेंटर। नाउ अगर सेम एंगल, व्हाट दिस एंगल विल बी कॉल्ड? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इज दिस क्लियर बच्चों? राइट। नाउ नाउ वी कम्स टू द रिजल्ट्स ऑन द सर्कल। ठीक है जी। फर्स्ट रिजल्ट क्या होता है बच्चे? हाँ इक्वल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड। अच्छा, उससे पहले भी कुछ थ्योरम्स होती हैं, ये थोड़ा लेटर रिजल्ट आता है। वेरी गुड, आप लोगों ने बताया बहुत अच्छा है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल। सपोज वी हैव टू कॉर्ड्स, वन इज ए बी, अनदर इज, इफ द लेंथ ऑफ दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, मीन्स दिस कॉर्ड इज इक्वल टू दिस, यू पीपल आर राइट कि ये जो एंगल है ये दोनों नो, इट्स नॉट वर्टिकली अपोजिट। हाउ यू कैन से दीज आर वर्टिकली अपोजिट बच्चे? आर दे वर्टिकली अपोजिट? वर्टिकली अपोजिट तो होते हैं ना कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट और नॉट? देखिए दिस, ये जो आपने थ्योरम बोली है पहले कि द एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, ये बोली थ्योरम का रिजल्ट, राइट? अब ये जो, अगर ये लाइन स्ट्रेट होती, दिस इफ दिस हैव बीन डायमीटर, देन इट विल बिकम वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? फिर उसके लिए
फिर उस केस में हमें वो रिजल्ट नहीं रिक्वायर्ड था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट? इज दिस क्लियर बच्चों? राइट, नेक्स्ट रिजल्ट है, सबसे जो फर्स्ट रिजल्ट आता है, इफ देयर इज अ कॉर्ड, इफ दिस इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट? If this is a perpendicular, then this D point is the D is the midpoint of A and B. Is it clear? यहां तक कोई डाउट बचा? ये जो दो रिजल्ट कर लिए अभी हमने, कौन कौन से? इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सेकेंड इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट. थर्ड इज, हाँ जी बच्चों कोई डाउट्स प्लीज आस्क. नो सर. नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ दिस इज अ सेंटर दिस इज आर कॉर्ड इफ दिस एंगल इज आर एक्स डिग्रीज, राइट? एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर इज एक्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी अदर पॉइंट इन द सर्कल विल बी डबल होगा, हाफ होगा, बेटा दिस विल बी एक्स बाय टू, सेंटर पे डबल होता है, राइट और नॉट? रिवर्स कर दिया मैंने इसको, और आप लोग वो जो रिमाइंड कर रखा है ना आप लोगों ने बिल्कुल, कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, राइट? सो नाउ माई स्टेटमेंट वॉज एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल. इज दिस क्लियर? वन एंड द सेम थिंग बच्चों, कोई डाउट? राइट. इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आता है जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है बच्चों, दैट इज एंगल इन द सेमी सर्कल. व्हाट इज द एंगल इन द सेमी सर्कल? 90 डिग्री. वेरी गुड. एंगल इन द सेमी सर्कल, दिस इज द डायमीटर. एनी एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वेयर एवर इट इज, वेदर दिस इज एनी एंगल इन द सेमी सर्कल इज. अभी जो पीछे वाली हमने थ्योरम की है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट, इसी थ्योरम का एक्सटेंशन है वो. देखिए अगर ये सेमी सर्कल में एंगल जो है इट इज 180, इसका हाफ हो गया ये बेटा, तो दैट इज द सेम थ्योरम, एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट रिजल्ट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सपोज सॉरी दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. What do you mean by segment? Same
सेगमेंट, सेगमेंट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? कैन एनीबडी टेल? देखिए मेरे पास ये एक फिगर बना हुआ है, ये एनी पॉइंट है आर्क पे ई एंड दिस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क एफ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट्स? कोई एक बच्चा आके खड़ा होके बताए मुझे जरा, जिसको पता है। वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, दिस इज वन सेगमेंट राइट एंड इज इट विजिबल? नो सर। नाउ यस सो देर आर टू सेगमेंट्स, वन इज शेडेड येलो अनदर इज शेडेड व्हाइट राइट। जो आपका येलो वाला सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, व्हाइट इज कॉल्ड माइनर स्मॉलर होता है जी, ठीक है। एंड दिस वन इज नोन एज मेजर सेगमेंट राइट बच्चों। जब हम बात करें सेगमेंट की सो दैट शुड बी वन साइड ऑफ द कॉर्ड, इज इट क्लियर? ये हमारे पास कॉर्ड है, ये जो नीचे वाला सेगमेंट हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट हो गया, या तो ये मेजर सेगमेंट में होने चाहिए दोनों एंगल या माइनर में। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेजर में हो एक माइनर में हो, इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट बच्चों? एनी अदर रिजल्ट्स? एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, क्या होता है वो? वन मोर रिजल्ट इज देयर इफ वी हैव थ्री पॉइंट्स, इफ वी हैव दीज थ्री पॉइंट्स दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ देयर कैन बी ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन तीन पॉइंट से पास करते हुए वी कैन हैव ओनली वन सर्कल, देयर कांट बी मोर देन वन सर्कल विच कैन पास थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स, दिस इज द लास्ट थ्योरम। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? अभी सब सारे रिजल्ट क्लियर हो गए? जब हम असाइनमेंट करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि आपको अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है सो देन इट वॉन्ट बी इजी फॉर यू। आप सबके पास असाइनमेंट पहुंच गई है जी? यस सर है, नो सर है जी? यस सर। सो शैल वी स्टार्ट आवर असाइनमेंट? हाँ जी, कोई डाउट्स बताइए, कुछ बोलना चाहिए? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? शैल वी स्टार्ट आवर असाइनमेंट? यस सर। राइट, सो निकालिए बच्चों फर्स्ट असाइनमेंट। बेटा मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप लोग सारे जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ बताना चाहता है, कहना चाहता है, प्लीज अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, ज्योति मैम की और नीता मैम की प्लीज, ठीक है, जो भी आपको कन्वे करना है प्लीज कर सकते हैं। नो मैम, एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन टू सर? कुछ नहीं वो नहीं आपको पता नहीं रहता? मैं तो सोच रहा था वो राइट, ठीक है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे प्लीज नो 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 साइड टॉक,
कोई डाउट है आपको, प्लीज आप मैम की हेल्प लेके माइक के पास आके बोलिए, और यू कैन रेज योर, इज इट क्लियर? सर। बेटा आप, चलो ठीक है मैम, दे वांट टू करी समथिंग? प्रॉब्लम ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन हाँ जी बच्चों, तो सेंटर गिवन है ओ एंड एंगल ए ओ बी इज सिक्सटी डिग्री बेटा आप लोगों ने कर लिया असाइनमेंट? सर दिस पॉइंट इज डी राइट, तो सर वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल ओबी राइट जी। नाउ सबसे पहले तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए बेटा, सर्कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हम फिगर को किसी और वे से देख रहे होते हैं और देखना कुछ और होता है। अब सबसे पहले तो आपके पास दो चीजें गिवन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज राइट, इज दिस क्लियर बच्चों? और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ओ बी सी मीन दिस एंगल राइट। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बताइए जरा, ऑब्जर्व कीजिए, और जिस बच्चे को क्लियर है प्लीज रेज कीजिए हैंड। बेटा ऐसे ऐसे नहीं, प्लीज रेज योर हैंड, और जिसको अपना पता, प्लीज रेज योर हैंड और माइक के पास आ जाइए आप। सर कैप्टन ए कौन बताएगा जी? एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी ए सी बी, वाई? एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल हाँ बोलो इज बोलो, डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर नॉट सर्कल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, यू आर राइट बेटा, वेरी गुड। सो दिस एंगल इज 63 ए ओ बी। अब से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री, इज दिस क्लियर? और सेम कॉर्ड जो है सर्कल पे एंगल बना रही है, दिस एंगल देख रहे हो आप, दिस कॉर्ड हैज मेक दिस एंगल ऑन द सेंटर एंड दिस इज द एंगल ऑन द सर्कल, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? राइट, सो दिस एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री, वी हैव टू फाइंड दिस, तो अब क्या करेंगे हम? वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लगाने के बाद दिस एंगल विल बी, हाँ जी 60 डिग्री, 120 कौन बोल रहा था? ओके 120, 90 प्लस 30 120 एंड 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री, इज इट क्लियर? ओके बच्चों, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट कोई इस क्वेश्चन में? सर हाँ जी बोलिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं इसमें?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बेटा, है क्वाड्रिलेटर है या क्या है, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे लगाएंगे? सर ए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी सी ए ओ बी इज इक्वल टू, ओबीसी बेटा ये पैरेलल है क्या लाइन, ये जस्ट अ मोमेंट, आर दीज टू लाइंस पैरेलल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इफ दीज टू लाइन आर पैरेलल एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल, यस यस सर नो? तो सर बच्चे ये पैरेलल, अगर पैरेलल गिवन होती देन ओनली यू कैन अप्लाई दैट ना, यस ओके ठीक है? आपने आपने आंसर सर देखा बाद में 60 आ गया, उससे आप सोच रहे हो कि ये सेम हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहो तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये 60 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यस और नो? यस ठीक है, बट बेस्ट वे जो है ना, ये जो हमने फर्स्ट अप्लाई किया है यही है कि आप क्या कीजिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट इज द इजिएस्ट वे टू डू इट, राइट? यस इज दिस क्लियर? ये दोनों लाइंस पैरेलल है हमें बाद में पता चल रहा है ना, जब आंसर आ गया है, ठीक है ना? बाद में हमने करेक्ट निकाला कि अगर ये 60 है ये भी 60 है तो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो गई और ये अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इज इट क्लियर? अदरवाइज आप नहीं लगा सकते ना ये कॉन्सेप्ट, क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए जी, देखिए इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू सी, ये बेटा ये थोड़ा सा ना एक मिस्टेक है, ये दिस इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देर आर टू कॉर्ड्स, दीज कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट? यस अनदर थिंग इट इज गिवन, एंगल ए ओ बी इज 100 डिग्री, दिस इज अ सेंटर, ए ओ बी इज 100 डिग्री, राइट? अच्छा, अनदर थिंग इज गिवन, ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, यस इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओपी बाइसेक्ट एंगल सी ओ डी, दिस इज एंगल सी ओ डी एंड दिस इज पी, दिस पी बाइसेक्ट दिस एंगल मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल जी, विजिबल है सबको ये बेटा, ये सर राइट? सो फाइंड एंगल सी ओ पी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जी, राइट? ये देखिए येलो वाला, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप कौन कौन से रिजल्ट्स लगाएंगे जी? हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा? नहीं नहीं, मुझे मुझे सुनना नहीं है बच्चे, प्लीज कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मैडम जो भी बताना चाहता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उस स्टूडेंट को बोलिए कि आप माइक पे आ जाइए और यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। सर व्हाट इज फर्स्ट थ्योरम? व्हाट इज फर्स्ट थ्योरम? नहीं, नो नो, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वेरी गुड जी, तो ये दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन है, ए बी और सी डी, तो दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
राइट? यस सर। व्हाट इज गिवन कि जो ओपी है, ओपी बाइसेक्ट एंगल सीओडी, वेरी इजी। तो एंगल सीओपी कितना हो गया? हाफ ऑफ एंगल सीओडी, राइट? दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो इट विल बी 1/2 200। कौन कौन से रिजल्ट्स लगाए हैं आपने इसमें? मैं आपसे एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीपी? 2 centimeter. Why? That is the bisect. Okay, and if I ask you what is angle OCP? कैलकुलेट करके बताइए जी। 90 degrees. सोचो बेटा, बेटा पहले सोचो ध्यान से, फिर आंसर करो। प्लीज थिंक ओवर इट, कौन सा रिजल्ट हम लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, क्या समझ में आया? बेटा एक बच्चा बताए आगे कोई माइक पे। फोर्टी डिग्री कैसे बच्चे? हाँ जी, वेरी गुड। व्हाट्स अ गुड नेम? निखिल। निखिल बताइए जी। सर क्योंकि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, सो ओपी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो हाफ किया था ओपी का वहां पर 50 है, 50 प्लस 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इस पर, तो 180 से 140 को माइनस करके 40 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड निखिल, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखिए अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि जो आपके पास सेंटर, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर मीटिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, देन दैट इज परपेंडिकुलर, मींस सीपी इज परपेंडिकुलर टू, राइट? और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यस और नो? उसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू होगा बेटा। यू नो व्हाट इज कन्वर्स? मतलब उल्टा जो है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो देन इट इज परपेंडिकुलर आल्सो। तो समझ में आया बच्चों? हमने यहाँ पे फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, सो दिस विल बी, सबको क्लियर हो गया, राइट? अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको, जैसे हमने तो पूछा यहाँ पे कि व्हाट इज द एंगल सीओपी, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ओसीपी, राइट? तो यू शुड नो कि आपको कैसे वर्कआउट करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होगा, एक स्टेप में नहीं होगा, आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सो यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप। ओके राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यस बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज,
इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ये सेंटर हो गया जी ओ एंड एंगल बी ओ सी राइट दिस इज 130 डिग्री राइट पॉइंट ए डी सी राइट बच्चों ठीक है जी ये 130 डिग्री है सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट ए डी सी मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल कीजिए कोशिश हाँ जी बच्चों समझ में आ रहा है कीजिए कोशिश सोचिए देखिए जरा अब फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए फिर देखिए कौन सा फिट आ रहा है बच्चों नहीं समझ आ रहा चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको ओ सी बी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल राइट यस और नो बच्चों ओ सी बी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल देखिए ये रेडियस है ये दोनों हो गए नाउ कैन यू वर्कआउट प्लीज डू इट अब तो बहुत इजी हो गया बता दो अब तो
हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ जी 25 डिग्री, वेरी गुड। कैसे आया बेटा 25 डिग्री? सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दे आर द रेडियस एंड आइसोसेलेस प्रॉपर्टी इज यूज हियर। राइट, सो लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, सो देर आर टू एक्स देन एंगल सम प्रॉपर्टी। वेरी गुड बेटा, प्लीज व्हाट्स गुड नेम? कृतिका। वेरी गुड बच्चे। देखिए बेटा, हमने इसको लिया 130 डिग्री, ये 130 गिवन है। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस एंगल विल बी एक्स, दिस विल आल्सो बी एक्स। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू, तो 2x कितना आ गया? 2x 50 डिग्री और x फाइव डिग्री। नाउ लुक एट लेफ्ट से, दिस इज अ कॉर्ड एसी, राइट? दिस कॉर्ड एसी मेक्स दिस एंगल एक्स, दैट इज 25 डिग्री। दिस कॉर्ड आल्सो मेक दिस एंगल, राइट? सो बोथ दिस एंगल विल बी सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू, राइट? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको विजुअलाइज करना है, देखिए ऊपर की तरफ से नीचे आना था, हम नीचे से अगर मैं स्पीकर को रोटेट कर देता तो आप बड़े अच्छे से कर लेते क्वेश्चन। ओनली थिंग इज फिगर थोड़ी रोटेट कर दी आपने, माइंड रोटेट नहीं किया, गड़बड़ हो गई, ठीक है? तो सर्कल बहुत बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है, सिर्फ इसलिए आती है कि विजुअलाइज करना होता है और आपको हर एंगल से ना मतलब फोकस मार मार के देखना है कि किस एंगल से कौन सा एंगल बन रहा है ये, राइट? इज दिस क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम। हाँ जी, इन द गिवन फिगर दिस इज AOB इज डायमीटर, राइट? एंगल ए डी सी इज 130 डिग्री। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ जी पहले। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। बेटा इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कीजिए जरा। आपको लिखा हुआ है कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी, लिखा हुआ है जी? इट हैज टू बी कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड बी ई। राइट, मीन्स These two are equal. Is it clear? Is this clear, ji? हाँ जी, ट्राई कीजिए बच्चों इसको, आपको फाइंड करना है सी बी इज, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, राइट? कीजिए बच्चों ट्राई इसको। Thank you.
अच्छा इसमें ना मैं जस्ट अ मोमेंट बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया जो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद है क्या होती है जी? क्या पता है या नहीं पता जी? साइक्लिक बेटा? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? एनी क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, राइट? अगर ये देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों वर्टिसेस जो हैं दे लाइज ऑन द सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका एक दो रिजल्ट्स होते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, या 180 डिग्री, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों मतलब इन दोनों का सम भी हो जाएगा 180। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिस एंगल एंगल एक्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एक्सटीरियर एंगल, राइट? बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, Yes. एंगल सी प्लस एंगल एक्स इज आल्सो 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर बेटा, लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं ये? Yes. अगर ये भी एक्स है तो ये सेम हो जाएंगे ना। एक्स प्लस वाई 180, तो यहां पे भी एक्स प्लस वाई 180 है, या इसका नाम दे दो आप जेड, एक मिनट, इसको इसको मैं जेड नाम दे देता हूं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई प्लस जेड इज आल्सो 180। Yes, इन दोनों को जब इक्वेट किया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई दोनों तरफ से कैंसल हो गया, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू Yes. एंगल जेड, Yes. तो दोनों इक्वल आ गए जी। समझ में आया? तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ये प्रॉपर्टी लगा के, राइट? यस, दिस प्रॉपर्टी बेटा, बेटा देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी ऑल वर्टिसेस, वर्टिसेस आपको सबको पता है क्या होती है जी? ऑल यू पीपल नो व्हाट इज वर्टिसेस? कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं ना बेटा, राइट? तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं ये। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट जो है ना, देखिए ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये वन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली देखिए एंगल ए जो है ये आउटर सी के इक्वल है, एक्सटीरियर सी। सिमिलरली जो आपका डी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट और नॉट? नहीं समझ आ रहा है?
हाँ जी, नहीं समझ आ रहा है बेटा? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए क्या चीज नहीं समझ आ रही है। इसको अगेन, इसका फिगर बना के अगेन एक्सप्लेन करूं मैं? देखिए जरा, ये सर्कल है बेटा, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट? इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 1, 2, 3, 4, राइट? तो अब क्या होता है जी, 1 + 3 इज इक्वल टू, समझ में आया? कोई डाउट? अब मैं इनके सबके एक्सटीरियर एंगल बना देता हूं। दिस एंगल इज 5, दिस इज 6, 7, 8, राइट? इज दिस क्लियर? तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा बताइए जरा, 5 के। एंगल 2 विल बी इक्वल टू 8, 3 ई विल बी इक्वल टू 7, वेरी गुड, एंड 4, 6। यहां तो कोई डाउट है तो बताइए जी, बस ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है जी, ठीक है? यस चलिए, चलिए अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए बच्चों, ये सारे रब कर दूं मैं? अब क्वेश्चन पे आ जाइए जी। कीजिए बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई, साइक्लिक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। हाँ जी, 90 डिग्री, ई बी ई इज 90 डिग्री, हाउ कम? हाँ जी, तो हाँ जी बच्चे बताइए, नाइन्टी देखिए कैसे होगा, अगर ये 130 है तो दिस एंगल विल बी हाउ मच, 50, राइट? एंड दिस कोड एंड दिस कोड आर इक्वल, तो एंड दिस इज योर डायमीटर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, यस तो कितना हो गया? हंड्रेड डिग्री हो गया जी, बेटा नॉट क्लियर? किस किस को नहीं क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है जी, ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। देखिए देखिए बेटा, ए डी सी बी, हाँ जी बोलिए,
यहाँ तक क्लियर है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, एबीसीडी, एंगल डी प्लस एंगल सी बी ए, ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी कितना है? 180 तो सी बी ए कितना होगा बच्चों? 180 माइनस कितना बन गया? यहां तो कोई डाउट है तो बताइए आगे। नाउ वन, ये दिस एंगल इज 150, और क्या गिवन है बेटा? बी सी इज इक्वल टू बी, ये चीज गिवन है, यस और नो? नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल आल्सो बी सेम, राइट? सो दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी सेम, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स, राइट और नॉट जी? बच्चों सपोज दिस एंगल इज 50 डिग्री, राइट? सो दिस विल आल्सो बी 50 डिग्री, दिस विल बी 50 डिग्री और नॉट? व्हाई बेटा? दीज टू आर रेडियाई, ओसी एंड ओबी विल बी रेडियस, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जी। तो व्हाट विल बी दिस एंगल? फोर्टी डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 80 हो जाएगा, राइट और नॉट? नाउ दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड आर इक्वल, ये विल सबटेंड इक्वल एंगल एंड द सेंटर। इफ दिस इज 80, दिस वन सी ओ बी इज 80, देन बी ओ ई विल आल्सो बी 80। अगेन इफ दिस इज 80, तो दिस ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलस ट्रायंगल, यस और नो? दिस इज 80, तो देन दीज टू विल बी द सम इक्वल टू 180 माइनस 80, राइट और नॉट? तो दोनों 50-50 आ जाएंगे बेटा। अब दिस टोटल विल बी 50 प्लस 50 100, सो दैट इज योर क्वेश्चन। एनीथिंग नॉट क्लियर? बच्चों समझ आया? एंड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाकी चार क्वेश्चन जो है बेटा वो आप लोगों के आज प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।